टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इंडिया ने 7 मेडल्स जीतकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, पर फिर भी काफी सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स ऐसे थे जिनमें हमें उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। एंड टुडे एट मैन्स लाइफ वील टेक यू थ्रू सम ऑफ द इंडियन एथलीट्स हु लेफ्ट अस वांटिंग मोर एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। दीपिका कुमारी, आर्चरी। इंडिया को करंट नंबर वन आर्चर दीपिका कुमारी से काफी उम्मीदें थी, एंड शी इवन एंजॉयड अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट टू टोक्यो 2020। कुमारी वाज सीडेड 9th आफ्टर द रैंकिंग राउंड एंड रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर एजिंग आउट 2-time ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सेनिया पेरोवा इन द राउंड ऑफ 16। अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड नंबर वन सफर्ड अ थंपिंग डिफीट इन स्ट्रेट सेट्स टू एन सैन ऑफ साउथ कोरिया टू बाउ आउट इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द विमेन्स इंडिविजुअल आर्चरी इवेंट in disappointing fashion. Atanu Das, archery. Another archer who left us wanting more at Tokyo 2020 in the men's archery event was Dipika Kumari's husband and world number 9, Atanu Das. After finishing 35th in the ranking round, Das went on to defeat Yu Cheng Deng 6-4 in the round of 32 and then stunned Olympic champion Oh Jin Haek of South Korea 6-5. अनफॉर्चुनेटली दास को भी क्वार्टर फाइनल स्टेज पर जापान के ताकाहारू फुरुकावा से 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। विनेश फोगट, रेसलिंग। रियो ओलंपिक्स में सीरियस नी इंजरी के कारण बाहर निकलने के बाद विनेश फोगट को टोक्यो ओलंपिक्स में हार का सामना करना पड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप रेसलर्स को हराकर गोल्ड जीतने के बाद फोगट टोक्यो ओलंपिक्स में आई, लेकिन बेलारस की वेनेसा कलाजिंस्किया के हाथों उन्हें विमेन्स 53 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग के क्वार्टर फाइनल्स में हार मिली। अमित पंघल, बॉक्सिंग। वर्ल्ड नंबर वन अमित पंघल से पूरे देश को काफी उम्मीदें थीं, बट अनफॉर्चुनेटली 25 साल के बॉक्सर को 16th राउंड में रियो 2016 के सिल्वर मेडलिस्ट यूबर्जिन मार्टिनेस के हाथों हार मिली। ऑल्दो अमित पंघल लेफ्ट द फैंस वांटिंग मोर, नो वन शुड डाउट हिज पोटेंशियल एंड द फैंस कैन बी कॉन्फिडेंट दैट ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एट पेरिस इन 2024। सौरभ चौधरी एंड मनु भाकर, 10-meter एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। Indian shooters Saurabh Chaudhary and Manu Bhakar raised expectations only to disappoint in the decisive round at the Tokyo Olympics. The duo finished on top in the first qualification stage of the 10-meter air pistol mixed team event and were billed as one of the favorites to win the gold. Unfortunately, dono ki jodi medal matches ke liye bhi qualify nahi kar pai and finished 7th in the qualification 2 with Manu Bhakar shooting a below par 92 and 94 after suffering a technical glitch with her pistol. That's it for now, but for more amazing content from the world of auto, sports, lifestyle and entertainment, head across to manslife.in.